हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बड़बोलेपन अंदाज को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। 1947 में मिली देश की आजादी को भीख बताते हुए कंगना ने उन अनेकों क्रांतिकारियों और वीर बलिदानियों का अपमान किया जिन्होंने भारत माता की सौगंध खाकर देश को आजादी दिलाने में खुशी खुशी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कंगना के इस विवादित बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पलटवार करते हुए कंगना को खरी खोटी सुनाई। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कंगना के बयान पर अपनी आपत्ति जताई और लिखा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार, इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। वहीं कंगना के ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध होने की वजह से कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए बीजेपी सांसद के ट्वीट का जवाब दिया और कहा, मैंने 1857 के देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम का भी जिक्र किया था जो नाकामयाब रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश का अत्याचार और क्रूरता और ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि लगभग 100 साल बाद हमें महात्मा गांधी जी के भीख मांगने पर आजादी मिली, जा और रो अप। आपको बता दें कि न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि 1947 में मिली आजादी नहीं भीख थी, देश को जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है, जिसका इशारा सीधा पीएम मोदी की ओर था। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं राष्ट्रवाद आर्मी के सपोर्ट में अपनी संस्कृति के प्रमोशन की बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कंगना रनौत ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैं कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह होती हूँ, आपने देखा होगा वहाँ मैं अपनी फिल्मों को प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं वहाँ भारत के मुद्दों को उठाती हूँ। फिलहाल कंगना के इस बयान पर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को एक बार फिर से उन्हें ट्रोल करने का मौका मिल गया और कंगना को बुरी तरह ट्रोल किया गया। ट्रोलर्स ने लिखा कि मिली होगी माफी तुमको भीख में, हमने तो आजादी बलिदान दे के ली है। वहीं एक और ट्रोलर से कंगना को जवाब दिया, कंगना भीख में तुम्हें पद्मश्री मिला होगा, आजादी तो लहू दे कर मिली है। रोशनलाल बिट्टू नामक एक यूजर ने लिखा कि कंगना गलत बयानबाजी करने से जब पद्मश्री मिल रहा हो तो भारत रत्न के लिए बोलते रहना होगा ना। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।